हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आई एम गजाला। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू अ रिवीजन वर्क फॉर UT1 पार्ट 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। एंड टुडे वी विल डू आवर Unit 3। एंड Unit 3 इट हैज़ 2 लेसन्स, 1 पोएम माई शेडो एंड लेसन रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। So let's begin with the poem My Shadow. It is your question number 21. Listen it. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? वो कौन सा टाइम है जब आपको लगता है कि आपकी जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है? तो दिन का वो कौन सा समय है जब आपको लगता है कि आपकी जो शेडो है वो सबसे ज़्यादा लंबी आपको दिखाई देती है? वो है मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22, हु डू यू थिंक लुक्स लाइक यू? आपको क्या लगता है कि आप जैसा कौन दिखता है? आप जैसा कौन दिखता है? आपकी शेडो। जो एक्टिविटी आप करते हैं वही एक्टिविटी आपकी शेडो रिपीट करती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मीन ऑफ aren't? aren't का क्या मतलब होता है? तो aren't मतलब बैड, BAD, बैड, बैड यानी बुरा। क्वेश्चन नंबर 24, हु जंप्स बिफोर यू व्हेन यू जंप इनटू योर बेड? जब आप अपने बेड पर जंप करते हो तो आपसे पहले आपके बेड पर जंप कौन करता है? वो है आपकी शेडो। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन डैश डैश डैश, वो आपका फिलअप है। तो कभी कभी जो आपकी शेडो है वो इतनी जल्दी अचानक से इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि इंडिया रबर बॉल। जो इंडिया रबर बॉल होती है वो बहुत बाउंस करती है, बाउंस मतलब उछलती है, बहुत हाई बाउंस करती है, हाईएस्ट बाउंस करती है। तो वैसे ही हमारी जो शेडो है कभी कभी इतनी लंबी हो जाती है। तो उसके का कंपेरिजन किससे किया गया है? इंडिया रबर बॉल से। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डिड द पोएट फाइंड द शाइनिंग ड्यू? तो पोएट को जो है शाइनिंग ड्यू यानी चमकदार, चमकने वाली जो ओस है, ड्यू मीन्स ओस, वो कहाँ मिली? ऑन एवरी बटर कप। जब वो मॉर्निंग में जल्दी उठा था तो उसने क्या देखा? जो बटर कप है, जो येलो फ्लावर है, उनके ऊपर क्या थी? शाइनिंग ड्यू थी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27, वी कैन सी आवर शेडो इन डार्क। हम अंधेरे में अपनी शेडो को देख सकते हैं। आपने कभी देखा है अपने आप को अंधेरे में, डार्क में? आप अपने शेडो को कभी देखा है आपने? अगर नहीं देखा तो लाइट बंद करिए रात में और देखिए अपनी शेडो आपको दिखती है या नहीं। नहीं दिखेगी तो आप लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 28, द शेडो गोज इन एंड आउट विद द पोएट। जो शेडो है, जो परछाई है, वो पोएट के साथ अंदर और बाहर जाती है। यस, शेडो हमारे साथ आती है ना हर जगह जहाँ हम जाते हैं। लाइट होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, हमारी शेडो हमें फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 29, रॉबिन्सन क्रूज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाई डैश 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 सी। जो रॉबिन्सन क्रूज था उसका जो शिप था, जो उसकी का जहाज़ था, वो डिस्ट्रॉयड यानी ख़राब हो गया था, बर्बाद हो गया था। किसके द्वारा? सी यानी समुद्र के द्वारा। फॉर होम रॉबिन्सन क्रूज लॉन्ग्ड फॉर मैनी ईयर्स। किसके लिए रॉबिन्सन क्रूज लॉन्ग्ड फॉर यानी तरसे, या किसके लिए वो लॉन्ग फॉर मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तरसना, फॉर मैनी ईयर्स कई सालों तक, तो वो थी कंपनी। कंपनी मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी, कंपनी का मतलब होता है साथ, साथी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर ऑन द सैंड? डिड लग गया इसलिए डिस्कवर्स नहीं करा क्योंकि पास्ट में कन्वर्ट हो गया है, और डिस्कवर्ड भी नहीं किया है बिकॉज वी एडेड डिड। व्हाट डिड रॉबिन्सन डिस्कवर ऑन द सैंड? रॉबिन्सन ने रेत पर, सैंड पर यानी रेत पर क्या ढूंढा? तो क्या ढूंढा उन्हें, क्या मिला? एक फुटप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी फुटप्रिंट्स रॉबिन्सन फाउंड देयर? रॉबिन्सन को वहाँ कितने फुटप्रिंट्स मिले? कितने मिले थे? एक, वन। क्वेश्चन नंबर 33, रॉबिन्सन बिकेम ग्लेड आफ्टर सीइंग द फुटप्रिंट। रॉबिन्सन जो था
फुटप्रिंट को देखकर ग्लैड हो गया था, ग्लैड यानी खुश हो गया था। खुश हुआ था या नहीं हुआ था आपको पता होगा, वो डर गया था, फ्राइटेंड यानी डर गया था, तो ग्लैड नहीं हुआ था, नो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, रॉबिन्सन कुड नॉट स्लीप डेट नाइट बिकॉज ही वॉज डेज। रॉबिन्सन उस रात जिस दिन उसने फुटप्रिंट देखा था, उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि बिकॉज ही वॉज क्योंकि ही वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डर गया था। वाई रॉबिन्सन प्रेड, प्रेड मतलब होता है प्रार्थना करना, हम भगवान से करते हैं ना वर्शिप, प्रार्थना, पूजा वगैरह, फॉर इन हिज केव। वाई रॉबिन्सन प्रेड फॉर, उसने प्रार्थना क्यों की इन हिज केव, अपनी केव यानी अपनी गुफा में, तो किस लिए की थी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी अपनी रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूज, रॉबिन्सन क्रूज था कहाँ, किसी सिटी में था, टाउन में था, वो था अलोन ऑन एन आइसलैंड, एक आइसलैंड में अकेला। क्वेश्चन नंबर 37, रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज टू बी डेस 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 डेस, तो इसका आंसर होगा मैन, जो रॉबिन्सन था वो डर गया था, व्हेन ही लुक्ड जब भी वो देखता द बुशेस झाड़ियों को, एंड ट्रीज और ट्रीज को, टू बी उसे ये लगता, ये होने का एहसास लगता कि क्या है, कोई आदमी है। क्वेश्चन नंबर 38, आई रन इनसाइड इट, इट यहाँ पे केव के लिए है, एज इफ आई वॉज बींग, आई रन इनसाइड इट, मैं अपनी गुफा के अंदर अपनी केव के अंदर ऐसे भागा, एज इफ जैसे कि मानो, आई वॉज बींग मेरा क्या किया जा रहा हो, डेस 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 चेस्ड यानी पीछा किया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 39, रॉबिन्सन डिसाइडेड टू मेज़र, मेज़र मतलब होता है मापना, किसी चीज़ को मापते हैं ना उसकी लंबाई चौड़ाई, द फुट प्रिंट विद हिज ऑन फुट मार्क, तो ये आपसे पूछ रहे हैं यस और नो में। रॉबिन्सन डिसाइडेड, रॉबिन्सन ने ये डिसाइड किया टू मेज़र मापने के लिए द फुट प्रिंट, जो फुट प्रिंट था उसको, विद हिज ऑन फुट मार्क अपने फुट के मार्क से, तो उसने डिसाइड किया था यस। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, रॉबिन्सन यूज्ड टू कॉल हिज केव, रॉबिन्सन जो था वो अपनी केव को बुलाया करता था कैस्टल, कैस्टल मतलब होता है किला, बट वो आइसलैंड में रहता था तो वो अपनी केव को ही कैस्टल बुलाता था और रॉक को डोर बुलाता था। सो इट वॉज योर रिविजन वर्क फॉर UT 1, सो नाउ यू हैव 40 क्वेश्चंस फॉर योर UT। थैंक यू स्टूडेंट्स।